इस समय की बड़ी खबर नोह मेवात जिले से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, माननीय पुलिस कप्तान श्री नरेंद्र सिंह बिजारनिया के मार्गदर्शन में अपराधों पर लगाम लगाते हुए अकेड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह की टीम ने अवैध हथियार सहित दो सातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें, बदमाशों को उस समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जब बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से कहीं पर जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार आकेड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि बिना नंबर की एप्लाई फोर बाइक पर अवैध हथियारों से लैस दो बदमाश किसी लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। चौकी के सामने तुरंत प्रभाव से बलबीर सिंह की टीम द्वारा नाकेबंदी की गई, वह वाहनों की चेकिंग की गई। जैसे ही एप्लाई फोर बाइक पर सवार बदमाश आए तो पुलिस को देखकर वापस भागने लगे। पुलिस की टीम ने इनका पीछा कर इनको दबोच लिया। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम मुजम्मिल पुत्र कंवर खान निवासी रानी का थाना नोह तथा सालिम पुत्र असलम निवासी वार्ड नंबर 13 नोह बताया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा एम कारतूस बरामद किया है। आकेड़ा चौकी प्रभारी बलबीर सिंह का कहना है कि मुजम्मिल पुत्र कंवर खान निवासी रानी का थाना नोह एम सलीम पुत्र असलम निवासी वार्ड नंबर 13 नोह को शुक्रवार को अवैध हथियार देसी कट्टा एम एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनको दोनों को शनिवार को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। केड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक आरोपित बदमाश मुजम्मिल ने अगस्त माह में अपने दो साथी बदमाशों के साथ चाकू की नोक पर एक लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मामला नोह सिटी थाने में दर्ज है। आरोपी सातिराना किस्म के बदमाश हैं और सातिर तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं।